पूर्वी चंपारण तुरकौलिया प्रखंड सपही पंचायत वार्ड नंबर 7 आंगनवाड़ी जो लापरवाही बरती जा रही है और सेविका जिनका नाम नूतन प्रिया है जो सपही बाजार के निकट आंगनवाड़ी केंद्र 198 है जो पूर्ण रूप से सेविका को उपस्थित नहीं पाया गया जिसकी वजह से बच्चा दिखा गया। सिर्फ जब रिपोर्टर वहां पहुंचे तब उनके नूतन पति आनंद फानंद में होकर बोले कि हटिए यहां से, जो नूतन प्रिया इनका पति गिट्टी जो नूतन बालू का दुकान रखे हैं पत्रकार के साथ वे बदतमीजी किए, जिनका नाम अमरजीत कुमार है, जो कि बोला गया कि जहां जाना है वहां जाइए, मुझे किसी का डर नहीं है और सेविका और सहायिका दोनों वहां नहीं पाए गए, जो सरकार का पैसा मुफ्त में खर्च हो रहा है और यह जांच का विषय है। एक तरफ उसी के बगल में मिडिल स्कूल है और उसी के बगल में केंद्र चल रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी चंपारण मोतिहारी को जिला पदाधिकारी के द्वारा यह केंद्र की जाँच की होनी चाहिए। तुरकौलिया प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह जाँच होनी चाहिए। तुरकौलिया BRC की लापरवाही है, ये सिर्फ 4 बच्चे ही है वहां पर। कानूनी संघ न्यूज़ के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट से सीतामढ़ी से। तब वही देखत रहा सरकारी आदमी भैलू बा देखी तो लड़का सब खेलता आंगनबाड़ी चलते लड़का कूदता है सब गोड़ा टूट जाए कौन नंबर वार्ड है? 7 नंबर वार्ड है। आंगनबाड़ी के टीचर के बा यहाँ? आंगनबाड़ी के टीचर के बा नूतन प्रिया नाम काथी नाम है माने सेविका के नूतन प्रिया नाम भाई तो जान नाम आउरी एथी के सहायिका के उनका कथि नाम है बसंत जी के कथी नाम बा उनकर नाम नहीं की जाना था तो रउवा रखवारी करतनी आंगनबाड़ी की हां रखवारी में बाड़ी माने हमार है पोतवा बा त हमार जबरदस्ती इनकर के बैठा के चल गइली है बैठी या रानी है त कॉलेज त देखत रही हम आवत ना तो ई सब गलत काम बा ई गलत काम बा ई पढ़ाई नहीं होती तई तई पर बहुत लुटाई होता गवर्नमेंट के ई तो लुटाई बा कोनो जिम्मेवार नहीं छे हेलो बोल रहा है आपका नाम बताइए हम FIR करने आए आप पे मेरा नाम है अभय कुमार भाई कर दीजिए ठीक है बोल रहे आदत व्यवहार कर रहा था गाली गलौज कर रहा था आके वहाँ पब्लिक से साइन करा लिए 10 को वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम जाए देखिए FIR कर दे रहे हैं कि नहीं आप हमको क्या FIR करिए हम आप पे कर रहे हैं जो करना है कर लीजिएगा चलिए चलिए ठीक है ठीक है हम भी गए हुए थे आपके वहाँ जहाँ आप भेजे हुए थे ना CDPO मैम के पास ठीक है वो हमको तो कुछ नहीं करेगी नू हम तो बोल रहे हैं अभी अच्छा अच्छा ऐसा बात हो रहा है बाथरूम की व्यवस्था नहीं हम बोल रहे हैं व्यवहार कर रहा था अच्छा अच्छा हाँ मतलब आप सेंटर पे आके कहें कि पब्लिक से साइन कराए वहाँ पे 5 को पब्लिक बोला है जाके कर दीजिए उसमें बोल दो कि पब्लिक मार के बेल गया है थाना में आवेदन दिए हैं अच्छा अच्छा ठीक 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 है जो करना है अब आप हम पे FIR कर दीजिए जाइए चलिए ठीक ठीक है धमकी दे रहा है जाके हमको गलती कर रहा है साला काम धंधा कुछ जात नहीं है नौटंकी कर रहा है ले तू ये कर रही है वो कर रही है जो करना है कर लो लिख लो पेपर में लिख देना जाओ अच्छा ठीक हाँ चुतिया सब ये कर बेल व्यवहार कर रहा था जाओ हम नहीं थे ना तो गांव जनता करके सीधा खड़ा कर दे जानता है कि नहीं अभी ना ना सर हमको अच्छा देखो ना अभी थाना के कहे हैं कि नहीं साइन करा के आए हैं अच्छा इसी तरह आए हैं ठीक है ठीक दो पेपर दो लिख के दरखास्त दो साले को घर में घंटा करा देते हैं कि नहीं दो साला चुतिया सब कितना देर से यहाँ पे मैडम कहाँ गई है मैडम जी कहाँ गई है घर ही गई है तो तुम लोग क्या कर रही है यहाँ पे अच्छा आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है ना कि यहाँ पे टीचर है ना कोई सेविका है ना सहायिका है सिर्फ बच्चा नजर आ रही है यहाँ पे और बच्चा सब कह रही है कि हम मैडम जी जो है यहाँ के घर पे गई है मतलब क्लास कहीं और है घर कहीं और है कितना दूर घर है यहाँ से मैडम जी के ज़्यादा दूर घर है तुम लोग को अकेले छोड़ के चली गई है खाना मिलता है यहाँ पे क्या मिलता है खाना खिचड़ी अच्छा आज क्या मिला है आज बिस्कुट मिलेगा आज खिचड़ी नहीं मिलेगा मैडम जी जो है अभी आ रही है क्लास करने के लिए कितना टाइम हो रहा है मैडम जी हम क्लास करने अभी आ रहे हैं हाँ सेंटर पे अभी आप उपस्थित है कितना बज रहा है अभी
12:40 पे अभी आप आ रहे हैं, बच्चा यहाँ करीबन 1 घंटा से अकेले में है यहाँ पे। पब्लिक पब्लिक क्यों हमको बाइट ली मिल गया है, पब्लिक बोलिए यहाँ पे कि करीबन आधा 1 घंटा से मैडम जी यहाँ पे गायब है और बच्चा सब उपस्थित है।